हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ एजेक्स फ्लोरी आर्गो 4000 जो कि 2013 मॉडल है। देख सकते हैं, सबसे पहले मॉडल देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। देखिए आर्गो 4 2013 महीना 8 है, जो कि देख सकते हैं आप। तो इसी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो को बने रहे एंड तक। किसी ने इस तरह कुछ सीट दिखता है, ये जो कि कंपनी का नहीं है, चेंज किया गया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे देखिए वेल्डिंग करके लगाए हैं, देखिए ये एंगल लगा हुआ है, देख सकते हैं। जो ये है वाटर पंप, यहाँ पे देखिए इस तरह का दिखता है। ये वाटर टैंक थोड़ा पेंट किया गया है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल है, ना ही चेंज किया गया, ना ही कुछ किया है, खाली पेंट किया हुआ है इसको, बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी का ही है, ठीक है। और ये रेडियम किया हुआ था थोड़ा, देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल ही है। हर कोई कहता है कि आपने वाटर टैंक चेंज किया हुआ, नया डाला है, पर नहीं है। देखिए इस तरह कुछ दिखता है, थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ आपको तो आइडिया होगा। देखिए कैसा दिखता है दूर से, वेल मेंटेनेंस, साफ सुथरा है। जो कि ये टायर व्हील देख रहे हैं, थोड़ा पेंट किया गया है। पीछे का व्यू देखिए आप, पीछे इस तरह, मतलब अभी भी चालू कंडीशन में है, मशीन ना ही बंद है, देख सकते हैं आप। थोड़ा इस साइड दिखाता हूँ आपको, देखिए। और ये है थोड़ा टूल बॉक्स जैसा बनाए बेटी, साइड में सामान रखने के लिए। बाकी मशीन देखिए कैसा लग रहा है, रेडियम मीडियम करके अच्छा लग रहा है थोड़ा, मतलब लग नहीं रहा कि 2013 मॉडल है, ऐसा लग रहा कि 15-16 मॉडल है। अंदर का दिखाता हूँ आपको इंटीरियर। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो। एक एक चीज़ दिखाऊंगा अंदर का, इंटीरियर, डैशबोर्ड, जो भी था पहले का, जैसा भी आता था वो सब कवर करूंगा इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि पहले में, मतलब अभी का जो नया मशीन है वो बहुत अंतर है अभी, तो एक एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए इस तरह लाइट के आते थे, जो कि पेपर लगा हुआ रहता था, अभी उंगली डाल के तोड़ दिए हैं सारे। ये है रिवर्स फॉरवर्ड, ये गियर 1 गियर 2 का स्विच है, नीचे रिवर्स मिक्सिंग अनलोडिंग है। और ये है हीटिंग, इंजन हीटिंग करने के लिए है। और ये पार्किंग ब्रेक्स देख सकते हैं, ये पार्किंग ब्रेक है। जस्ट ऊपर यहाँ देखिए लो हाई है, स्ट्रिंग में अटैच है, बिल्कुल पहले वाला मशीन में, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं रनिंग आवर है, कितना घंटा चला हुआ है उसका बताता है। और यहाँ बैटरी लेवल, और यहाँ पे टेम्परेचर बताता है कितना। और ये है ऑयल प्रेशर और फ्यूल लेवल, हॉर्न है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे लाइटें हैं, टर्न इंडिकेटर, ये तो जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंफ्यूज तो यहीं पे होता है, चार पेडल देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चार पेडल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला पेडल है, ये इमरजेंसी के लिए है, जो कि पंप को लॉक कर देता है उसके लिए है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए है ये वाला। और दूसरा ये सीट लॉक का है, जो कि सीट को घुमाते हैं। तीसरा ये ब्रेक है, और चौथा ये एक्सेलेरेटर है, ठीक है। तो पहले के मशीन में इस तरह केबिन में आता था बैटरी, हालांकि ये खुला है अभी, तो पहले कवर हुआ रहता था, पूरा कवर था इसका।
और यहाँ पे देखिए स्टॉपर बार है यहाँ पे, और यहीं पे हैंड एक्सेलरेटर भी था, और यहाँ पे ड्राइविंग स्लेट वो देख सकते हैं 4x4 में वो वाली, और यहाँ पे लीवर कंट्रोल, पहले वाला मीटर देख सकते हैं पानी इस लेने का ऐसे था, मतलब ऐसे वाला मीटर आ रहा था, अभी तो हाल एक ही मीटर में सब कुछ आ जाता है। इस तरह देखिए बोनेट, देखिए कितना बड़ा कैमरा और सॉरी कांच इतना बड़ा लगाया पीछे का। तो इस तरह कुछ दिखता है, अब जलता हूँ नीचे, आगे से थोड़ा दिखाता हूँ आपको, देखिए आगे से किस तरह दिखता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, रेडियम वेडियम क्या हुआ है यह, हालांकि थोड़ा बीच में यह मतलब क्रैक हो गया था, वो फंसा हुआ था तो जेसीबी से निकाला धक्का मार के, इसलिए ऐसा हुआ था। नीचे का देखिए आप, थोड़ा अंधेरा हो गया, हाँ देखिए आप, थोड़ा रनिंग करके बताता हूँ आपको कैसा है, चालू है कि नहीं आपको भी यकीन हो जाए। देखिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेरे लास्ट वीडियो ये वाला स्क्रीन पे देख रहा है इससे